अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालें, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आफ्ताब नजर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ गाँव के ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में, और इधर फूड गाला है। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि फूड गाला का रश देख सकते हैं कि आज सबसे ज़्यादा बहुत रश है आज। और अंदर चलेंगे, अभी आपको दिखाएंगे फूड गाला का। जय हिंद। अंदर जा रहे हैं जितने बच्चे हैं वो काइंडली अपनी जगह पे वापस चले जाएं। मैडम्स वेट कर रहे हैं आप लोगों का। थैंक यू। देखते हैं बहुत फनी स्टॉल है। मजेदार अंडे, दो अंडे, सही अंडे, सारे अंडे नहीं है। गरम अंडे बादरंग बोले अरे भाई मार दे मार दे अरे भाई भाई लोग मैं वहां से ये स्टॉल देखे से बचने के लिए बच्चों के लिए कार वगैरह ऑरेंज भी लगा हुए हैं। अंडे बहुत फायदे होते हैं घर में सर्दी के लिए। बहुत सारे लोगों ने अंडे लिए। हम लोगों ने यहाँ पे कम से कम 4000 अंडे बेचे और 4000 सर्दी भी है। काफी सर्दी भी है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। अंडे बहुत सस्ते हैं, 25 रुपए अंडे, 25 रुपए अभी भी आपके पास क्यों है? अभी मैं मौजूद हूँ कैमल हट के आगे बिल्कुल। तो कैमल आइसक्रीम और योगर्ट और कैमल चॉकलेट भी इधर मौजूद है। तो इधर ये कैमल भी सिर्फ 70 रुपीज़ में कैमल मिल्क, कैमल योगर्ट, फ्रेश कैमल। स्टॉल्स में आप देख सकते हैं कि क्या मज़ेदार मज़ेदार से डिश तैयार हो रही हैं। लस्सी कबाब लगे हैं, ये बिरयानी है, इसके आगे चाट है, आइसक्रीम है। रश से ही आपका अंदाज़ा हो सकता है कि इस जगह पे बुक से भी स्टॉल लगे हुए हैं और घर घर किताब, ये एक स्टॉल है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं। मतलब है कि हर चीज़ की इधर स्टॉल लगी हुई हैं। खाने का भी है, गेम्स का भी है और किताबों का भी साथ साथ है। मज़ीद गाला फूड गाला होने चाहिए यूनिवर्सिटी में ताकि बच्चों को इंजॉयमेंट और साथ साथ पढ़ाई का भी शौक दिल में पैदा हो।
जी तो गाला ख़त्म हो चुका है फूड गाला, और इसी के साथ हमारी वीडियो का भी इख्तिताम होता है, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।